गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। आज हम चैप्टर थर्ड में एफ वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि यहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इससे पहले हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिए थे, वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, लास्ट टाइम वीडियो में बताए थे। आज हम चैप्टर थर्ड में लॉन्ग वाले आंसर करें, यानी आज हम अपना चैप्टर ये कम्प्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट सेकेंड भी पढ़ लिया है, उसके वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिए। फर्स्ट के भी सर ने सेंड कर दिए थे और सेकंड के भी सेंड कर दिए थे। आज हम इस थर्ड कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड अ ग्रोविंग चाइल्ड टेक। अब जो ग्रोविंग चाइल्ड टेक यानी जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है, उसको किस तरह का खाना लेना चाहिए। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी साथ साथ में कंप्लीट भी करती रहे, है ना। आज थर्ड चैप्टर पूरा हो जाएगा, यानी थर्ड तक आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना है। सारी एक्टिविटी भी हमने सेंड कर दी आपको। एक्टिविटी आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही करना है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है ना, फेयर कॉपी बनाते रहे। फर्स्ट का आंसर, चलो ठीक है, फर्स्ट का आंसर देखते हैं। अ ग्रोविंग चाइल्ड शुड टेक प्रोटीन्स इन हिज डाइट। अब जो ग्रोविंग चाइल्ड होता है, उसको अपनी डाइट यानी अपने भोजन में कैसा प्रोटीन्स वाला भोजन लेना चाहिए, जो कि क्या करता है, उसको डिजीज़ यानी रोग और इन्फेक्शन यानी संक्रमण दोनों से फाइट करने में काम आता है। अब चिल्ड्रन शुड टेक मोर प्रोटीन्स, जो बच्चा होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना लेना चाहिए, जो क्या करते हैं उनकी बॉडी को ग्रो कराते हैं, यानी उसकी शरीर बढ़ता है और उनको अधिक बॉडी बिल्डिंग फूड भी लेना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग यानी जो शरीर को बनाने वाले फूड होते हैं, ऐसे अदर एज ग्रुप की से अच्छे ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग फूड लेना चाहिए। यह था फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन नहीं करना है आपको, थर्ड वाला करना है। थर्ड है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कजेस एंड क्यूर्स ऑफ गोइटर, यानी जो गोइटर जो एक बीमारी है ना, गोइटर, उसके कारण और उसके क्यूर्स देखना है, यानी इलाज, क्यूर से यानी होता है इलाज। मतलब यह गोइटर जो बीमारी किस कारण से होती है, उसका इलाज क्या है। चलो इसका आंसर देखते हैं। इट इज़ कज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। ये इसका कारण होता है हमारे डाइट में आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है। अब देयर इज़ अ ग्लैंड कॉल्ड थायरॉयड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको थायरॉयड कहते हैं, विच इज़ सिचुएटेड इन द नेक रीजन। नेक रीजन यानी हमारे गले वाले रीजन में स्थित होती है, गले में होती है। इट इज़ प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करती है, जो क्या करता है, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायरॉयड स्वेल्स यानी स्वेल्स यानी सूजन आ जाती है। थायरॉयड जो ग्लैंड है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और सूजन आने से क्या होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होने में कमी आ जाती है, और उससे क्या होता है, हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। ये होता है गोइटर के लक्षण। ये तो था थर्ड का आंसर। अब हम फोर्थ का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स फॉर आवर बॉडी। मतलब इस जो मिनरल्स बताए गए, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, इन चारों मिनरल्स के इम्पोर्टेंस बताना, हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या आ रहे। चलो इनका इसका आंसर देख, इसमें ए दे रखा है, यानी आयरन के इम्पोर्टेंट क्या है, आयरन से क्या होता है, अब डिफिशियंसी यानी होता है कमी, है ना, या अभाव, न्यूनता। अब डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या है, एक बीमारी है, एक डिजीज़ है ना, जिसमें क्या होता है, प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरिंग हीमोग्लोबिन RBCS, यानी हमारी जो RBCS में हीमोग्लोबिन होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। यानी हम बोलते हैं ना कि जो हमारे शरीर में खून की कमी हो गई, तो वो हीमोग्लोबिन कम होता है, खून की कमी होना यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसको एनीमिया कहते हैं। यानी एनीमिया हिंदी बोलता है रक्तहीनता, रक्तहीनता है ना, खून की कमी होना, तो ये आयरन की कमी से होती है, जिसमें डॉक्टर क्या होता है, फिर आयरन की गोलियाँ देता हमें। अब हम सी वाला पहले देख लेंगे, वो क्या होगा, सॉरी बी वाला बाद में लिखा मैंने, और सी वाला पहले बता रहा हूँ आपको। सी वाला देखते हैं पहले। अब डिफिशियंसी ऑफ सोडियम लीड्स टू क्राम्स इन मसल्स, डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस। अब जो सोडियम की कमी से क्या होता है, हमारे मसल्स में ऐंठन पड़ जाती है और हमारे
हमें कमजोरी हो जाती है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। अगला बी वाला है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि हिंडर्ड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ होती है वो क्या चाहिए हिंडर्ड हो जाती है, यानी हमारी ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। और ब्रिटल बोन्स यानी हमारी बोन्स जो हो जाती है कैसी ब्रिटल हो जाती है, नाजुक हो जाती है, जिसको रिकेट्स भी कहा जाता है। रिकेट्स है ना एक डिजीज़ है। अभी एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी हमारी ब्लीडिंग यानी खून का बहना बहुत बढ़ जाता है, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक अधिकता हो जाती है। लास्ट डी वाला है डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम की कमी से क्या होता है वीकनेस ऑफ मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ, मसल्स यानी क्या होता है मांसपेशियाँ, मांसपेशियों कमजोरी आ जाती है विच आफ्टर सम टाइम्स रिजल्ट इन पैरालिसिस। और लास्ट टाइम क्या हो जाता है मांसपेशियों में कमी आने से पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस क्या है एक लकवा होता है जिसमें क्या होता है हमारा हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, एक पैरालिसिस यानी होता है लकवा। चलो ये हमारा थर्ड चैप्टर कम्प्लीट हुआ और आपको इसे पूरी तरह फेयर कॉपी में कंप्लीट भी कर लेना है। थैंक यू।